हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? सब कुछ ओके? कहीं से कोई दिक्कत नहीं? कहीं से कोई परेशानी नहीं? कहीं से कोई तकलीफ नहीं? एक बार आवाज़ वगैरह बता दें, प्रॉपरली आ रही है नहीं आ रही है? आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? सब कुछ ओके? कहीं से कोई असुविधा नहीं? कहीं से कोई दिक्कत नहीं? तो अभी हम आपके लिए आए हैं, RRB का जो क्लास है वो तो 1:30 बजे होता ही है। राजस्थान का जो आज एग्जाम हुआ है पुलिस का, उसका एनालिसिस करने, तो सारे बच्चे जो हैं वो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? और यहाँ पर जो भी बच्चे नए हैं उनको बता दें, ये मेरा फ्री क्लास होता है। रेलवे कैटेगरी में 2:15 पर आप हमारा क्लास देख सकते हैं और वाईफाई स्टडी पर 1:30 बजे क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्विज की टाइमिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए नया बैच हमारा 12 नवंबर से शाम 4 बजे आ रहा है, जो आप हितेश 10 लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और CET एग्ज़ाम के ऊपर SSC कैटेगरी में नया बैच हमारा आ रहा है 12 से 1, जो कि आप हितेश 10 लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र बैच, तो ज़रूर जुड़िएगा। सबसे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कि आज जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या पूछा गया और लेवल कैसा था, है ना? क्या पूछा गया और लेवल कैसा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि पूछा क्या गया और लेवल क्या था। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो चीज़ें आई थी वो आप देख पा रहे हो। सिमिलरिटीज़ था, डिफरेंसेस था, नंबर सीरीज था, अल्फ़ाबेट सीरीज था, वेन डायग्राम था, कोडिंग था, मिरर इमेज था, वाटर इमेज था, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन था, मैथमेटिकल ऑपरेशन था, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर था, डायरेक्शन था, कंप्लीशन ऑफ फिगर था। वेन डायग्राम से 3-3 प्रश्न पूछे गए, ठीक है, और जो अपना डायरेक्शन है इससे भी 2-2 प्रश्न पूछे गए। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही तरीके वाला आया हुआ है। अगर आपने तैयारी बढ़िया से किया होगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अगर आप तैयारी मेहनत करके किए होंगे तो एग्ज़ाम 100% अच्छा गया होगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन देखो जो आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, मान लो इसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि क्लास CLASS, इसको हम लिख रहे हैं DMBTT। तो हमें बोला ये जा रहा है कि भैया बताओ ब्लू का क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, +1 हुआ है, बताओ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, CDLMABSTST। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BCLMUVEF, तो CMVF, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, समझ रहे हो बात को। दूसरा प्रश्न ये आया हुआ है, देखो कह रहा है कि नीचे 4 दिए गए ऑप्शन हैं, उनमें बताइए भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है। तो गाय, मुर्गी और भक्तिन, ये तीनों कहीं ना कहीं फीमेल हैं और बेटा जो है वो मेल है, आंसर हो गया। कितना देर लगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्जाम अगर तरीके से आप लोग पढ़े होंगे, सही बता रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया गया होगा। कोई मायका लाल आपको अच्छा करने से नहीं रोक सकता है, इतना बढ़िया एग्जाम गया होगा। इसके बाद की अगर हम बात करें, बोला जा रहा है क्यूट को लिख रहे हैं ऐसा, तो काइंड को क्या लिखेंगे, CUTE, क्यूट, इसको आप क्या लिख रहे हैं, BTSD, देख लो -1 हुआ, हे भगवान। BCTUSTTD आपको बोल रहा है काइंड का बताओ, है ना? तो ये देख रहे हो JK, ये देख रहे हो HIMNCD, तो JHMC आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना आसान है, बात समझ में आ रही है, इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये एग्जाम में। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये जो देख रहे हैं आप ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज में क्या देख रहे हैं आप, ये +7 हो रहा है, ये +7 हो रहा है, +7 हो रहा है, +7 हो रहा है, +7 हो रहा है, अगला क्या होगा, +7 होगा तो 76 हो जाएगा, तो 76 आपका राइट आंसर है, 76 आपका राइट आंसर है, बताओ। या ऊपर वाले इतना बढ़िया क्वेश्चन बच्चों को दिए हैं आप, इतना आसान प्रश्न आप दिए हैं बच्चों को, बताइए, गर्दा उड़ा दिया होगा सर। बोल रहा है इसमें कि विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए समुच्चय सेट के सबसे अधिक समान है। बादाम, काजू और अखरोट, ये कहीं ना कहीं ड्राई फ्रूट है, तो ये भी ड्राई फ्रूट नहीं है, ये भी नहीं है, तरबूज भी नहीं है। खुबानी जो है ये आपका ड्राई फ्रूट है, खुबानी जो है ये आपका ड्राई फ्रूट है ना? कितना आसान है, सोच सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं आप लोग। हमने देखो राजस्थान पुलिस पढ़ाया नहीं था, लेकिन हमने आपके लिए एनालिसिस क्यों किया पता है, मुझे लगा यार बच्चों को बता तो दें कि किस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं एग्ज़ाम में, और डरने की बात नहीं है, मेहनत अगर आप हमारे साथ करेंगे, जैसे हमारा SSC में बैच चल रहा है अभी, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं हितेश YT के साथ,
या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे पढ़ाने से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हिरन, गाय और जिराफ सभी के सभी हैं शाकाहारी। शाकाहारी है भैया घोड़ा, तो आपका आंसर हो गया घोड़ा, घोड़ा आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है ये? कहीं कोई असुविधा है, कहीं पर कोई दिक्कत है, कहीं पर कोई तकलीफ है? हॉर्स इज द राइट आंसर। इसको देखिए जरा सा, बोल रहा है यू आर ओ एल आई, देख लो क्या हुआ है। तीन घट गया, 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 तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, एफ, एफ आपका राइट आंसर है। एफ जो है आपका राइट आंसर है भैया। इंग्लिश में नहीं, क्वेश्चन जिसमें रहेगा क्वेश्चन वहां तो उसी में ना देंगे बाबू। क्वेश्चन हिंदी में आया तो हिंदी है ना क्वेश्चन देंगे, नहीं समझ रहे बात को? क्वेश्चन हिंदी में आया हमारे पास तो हम हिंदी में बता रहे हैं। अब ये देखो, बोला जा रहा है कि इसको अगर ऐसा लिख रहे हैं, देख लो कोडिंग डिकोडिंग से भी कितना क्वेश्चन आया हुआ है। बी एन जे ए एम आई एन, ओ भाई साहब इतना आसान प्रश्न आया हुआ है कि तुम लोग तो धूम मचा दोगे। ये बी एन जे, इसको कुछ नहीं किया है, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख दिया, एन आई एम ए जे एन ई बी। आपको बोल रहा है पॉवर्टी का बताओ, पॉवर्टी मतलब गरीबी, जो आप खत्म करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, इसको लिख देंगे आप वाई टी आर ई वी ओ पी, वाई टी आर ई वी ओ पी, तो डी आंसर हो जाएगा। हम सारा क्वेश्चन तो नहीं ले पाए क्योंकि मेरा बैक टू बैक क्लास था और फिर अगला क्लास भी है 1:30 बजे, तो आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन इसलिए ये वाला ले आए हैं, और 1:30 बजे भी कुछ क्वेश्चन मिक्स कर देंगे, 1:30 बजे भी कुछ क्वेश्चन मिक्स कर देंगे आपका, ताकि आपको फायदा हो जाए। ठीक है, आए हुए प्रश्न जो अभी नहीं ले पा रहे हैं उसको, कुछ क्वेश्चन को 1:30 बजे भी मिक्स कर देंगे, तो आप लोग 1:30 बजे भी आ जाइएगा। इसमें बोला जा रहा है अलग कौन सा, विच वन इज डिफरेंट, इसमें बोला जा रहा है अलग कौन सा है, अब गौर करो। अमरूद है फल, अनार है फल, हैं गोभी है फल, है फल, सब्जी है ही तो, आम है फल, तो ग्वावा, पोमग्रेनेट, मैंगो और ये कॉलीफ्लावर, तो आपका जो आंसर है वो सी के साथ चला गया, सी आपका राइट आंसर है। ये आज के प्रश्न है भैया, आए हुए प्रश्न है ये, बताओ आज आए हुए प्रश्न है ये, इतना आसान आएगा तुम लोग सोचा था, इतना आसान आएगा तुम लोग सोचा था, नहीं है सोचा होगा। इसको देखो, ये 13 नंबर क्वेश्चन था, कलम से लिखते हैं तो किससे क्या करते हैं, बंदूक हथियार है, ठीक है, चम्मच से खाना खाते हैं, चम्मच से खाना खाते हैं, कौरे कौर है, चम्मच से खाना खाते हैं, यही तो होता है, यही तो करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको देखो जरा सा, इस क्वेश्चन में हो सकता है कि 30 सेकंड से ज्यादा लग गया होगा बच्चों को, लेकिन अभी तक जितना क्वेश्चन आप किए किसी में भी 30 सेकंड से ज्यादा लगने वाला हमको तो नहीं लगा कि 30 सेकंड से ज्यादा लगने वाला कोई क्वेश्चन है, लगा हमको तो नहीं लगा, आप लोगों को लगा था क्या, आप लोगों को लगा था, हमको तो नहीं लगता है किसी को लगा होगा 30 सेकंड से ज्यादा। बताओ ऐसा प्रश्न आएगा धूम नहीं बचा दोगे तुम लोग? देखो कैसे बनाएंगे, 16 है और गुना के जगह पर क्या रख दोगे, गुना के जगह पर माइनस, ठीक है, और माइनस जगह है प्लस, और जहां डिवाइडेड बाय है वहां रख दोगे गुना, ठीक है, प्लस 3 जो है माइनस, माइनस के जगह क्या रख दोगे प्लस, अच्छा यहाँ डिवाइड, प्लस के जगह डिवाइडेड बाय हो जाएगा, प्लस के जगह डिवाइडेड बाय हो जाएगा, प्लस जहां पर है वहां डिवाइडेड बाय हो जाएगा, और फिर लास्ट में डिवाइडेड बाय जहां है गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10, 10 प्लस 6, करली ब्रैकेट से कर लो बंद, ठीक है, और डिवाइडेड बाय है भैया ये 4, और फिर गुना, अच्छा ये करली ब्रैकेट से बंद होने के बाद यहाँ पर ही कंप्लीट बंद है, और फिर गुना 2 है, तो 16 डिवाइड बाय 4 गुना 2, ये 8 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16, 8 आपका राइट आंसर हो गया, 8 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है ये? कोई दिक्कत है बाबू, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है? इसको देखिए जरा सा,
पियानो वादक, सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं, तो सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हैं, ऐसा बात होता है क्या? हमें तो नहीं लगता कि ऐसा होता है। कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हैं, क्योंकि सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं, इसलिए कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हैं, ये हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बनेगा, देखो जितने भी पियानो वादक हैं वो नृत्य में अच्छे हैं, तो सम डांसर्स आर पियानो प्लेयर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी के साथ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, सेकंड वाला आपका राइट आंसर। इसको देखिए जरा सा, बताओ इतना आसान सा प्रश्न आया हुआ है, उड़ा दिया होगा तुम लोग, तो उड़ा दिया होगा तुम लोग, कहीं पे कोई दिक्कतें नहीं हुआ होगा, एकदम उड़ा दिया होगा, है ना बाबू? कोई परेशानी हुई है? क्या बात, क्या बात, जबरदस्त चल रहे हैं आप लोग। तो यहां पर अगर हम देखें क्या बोला जा रहा है कि कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं, तो सम साइंटिस्ट आर नॉट विमेन, तो सभी महिलाएं वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिक महिलाएं हैं, गलत हो गया, दोनों का दोनों गलत हो गया। इतना आसान प्रश्न है, बताओ ऐसा प्रश्न आएगा आप लोग धूम नहीं मचा दीजिएगा, है कि नहीं? इसको देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन था आज के एग्जाम में, 28 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है? बताएं इसका आंसर आप। तो बच्चे कह रहे हैं सर 22 होना चाहिए, देखो 6 × 4 = 24 +1 तो 25 हो गया, 3 × 1, 3 × 1 3 + 4, सॉरी 3 × 1 3 और +1 4 हो गया, 5 × 3 = 15 और +1 तो ये 16 हो जाएगा, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 आपका राइट आंसर। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए कितना आसान प्रश्न है, आप सोच नहीं सकते, ऐसा ऐसा प्रश्न आ रहा है एग्जाम में, हे ऊपर वाले। और जितने भी बच्चे नए हैं, मैं अभी बताना चाहूंगा आपको कि आप लोग हमारे साथ 2/15 पर क्लास जरूर देखिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री क्लास। और दूसरी बात, आप लोग जो है जो जो टॉपिक आज आया हुआ है, ठीक है, जो जो टॉपिक आज आया हुआ है उस टॉपिक से हम कुछ वो करवा देते हैं, क्या नाम है, क्विज करवा देते हैं, आप लोग क्विज में भाग जरूर लीजिए ताकि आप लोगों को और फायदा हो, एग्जाम आगे कभी ऐसा आएगा तो, ठीक है? और सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, अभी का जो क्विज है उसका जो कोड है मैं बता देता हूँ आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 576668, सारे बच्चे अभी क्विज में भाग ले लीजिएगा। कैसे क्विज में भाग लेते हैं मैं बता देता हूँ एक बार, कुछ नहीं करना है और ये आप ही के लिए फायदेमंद है, इसमें रैंक मिलेगा, आपको पता चलेगा, SSC कैटेगरी में ये क्विज होगा और ये फ्री है, ध्यान रखिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, SSC कैटेगरी में जाना है, उसके बाद आपको SSC कैटेगरी में जाने के बाद प्लस में जाना है, टेस्ट ज्वाइन क्विज, कोड है 5757668, 5757668, ठीक है, 5757668। सारे बच्चे अभी क्विज में जुड़ जाइएगा, आप ही लोगों के लिए ये क्विज रख रहे हैं हम, आप ही लोगों के लिए ये क्विज रख रहे हैं हम। कैसे? अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, SSC कैटेगरी में प्लस में टेस्ट में ज्वाइन क्विज, कोड है 5756668, और उसके बाद हम अभी 1:10 पर क्विज आपको करवा देंगे। और जो क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं ये तो करवा ही रहे हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को 1:30 वाले क्लास में करवा देंगे, 1:30 वाले क्लास में, 1:30 वाले क्लास में, ठीक है ना? चलिए, तो इस प्रश्न को अगर हम देखें, ये जो प्रश्न था
क्या करिएगा इसमें, रोहित चलना शुरू किया पश्चिम में, 300 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 200 मीटर चला और उसके बाद फिर बाएं ओर मुड़ गया। तो अभी किधर देख रहा है वो? तो अभी भी पश्चिम में ही देख रहा है, पश्चिम आपका राइट आंसर हो गया। इसको देखिए जरा सा, ये जो प्रश्न है इसको देख लीजिए एक बार, कंप्लीशन ऑफ फिगर से भी प्रश्न आया हुआ है, कंप्लीशन ऑफ फिगर से भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ फिगर से भी प्रश्न आया हुआ है। सारे बच्चे क्विज में भाग जरूर लीजिए, मैं बार बार ये आह्वान कर रहा हूं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं क्विज में भाग जरूर लीजिए। कोड है 57668, SSC कैटेगरी में ये क्विज है। जो बच्चे नए हैं वो अनअकैडमी डाउनलोड कर लें लर्निंग ऐप, उसके बाद जाएं। इसका जो आंसर है वो सी के साथ चला जाएगा, सी विल बी राइट आंसर फॉर यू, क्योंकि वही देख ही रहा है बीचों बीच कटा हुआ, इसमें नहीं कटा है, ठीक है। और चूंकि ये वाला बर्फी कंप्लीट होगा तो इसमें दिख रहा है हमें कि नीचे से ये बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ है, ठीक है। और इधर से भी बर्फी चाहिए हमें, तो इन दोनों में अंतर क्या है कि इधर वाला लाइन नहीं है यहाँ, तो इसलिए सी हो जाएगा। वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन था वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन था चील, पक्षी और मगरमच्छ। तो भैया चील पक्षी के अंदर आ गया और मगरमच्छ अलग हो गया, ऐसा इमेज बन जाएगा। एक और क्वेश्चन था लेडी, डॉक्टर और वैज्ञानिक, तो इसका इमेज कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, नहीं, एक लेडी डॉक्टर हो सकती है, वैज्ञानिक हो सकती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है डियर। और बाकी 1:30 बजे हम आपको करवा देंगे, बाकी जो क्वेश्चंस बचेगा 1:30 बजे भी हम आपको करवा देंगे, तो आप लोग 1:30 बजे भी क्वेश्चंस करने जरूर आइएगा, ठीक है। अभी सारे बच्चे क्विज में जुड़ जाइए, एक बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, SSC कैटेगरी में जाइए, प्लस में जाइए, टेस्ट में जाइए, ज्वाइन क्विज। कोड है 57668, 57668, ठीक है ना, बहुत ही मजा आएगा आपको। एक बार आप आइए जरूर, क्विज लगाइए जरूर। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए RRB NTPC और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए नया बैच हम लेके आ रहे हैं अकेडमी पर 12 नवंबर से 4 बजे शाम से, 12 नवंबर 4 बजे शाम से। तो हितेश 10 लगाकर प्लीज अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लें और माँ बाप का नाम रोशन करें। बहुत ही तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है। आइए जरूर, पढ़िए जरूर, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए जरूर। इसके अलावा SSC कैटेगरी में CET एग्जाम के ऊपर आपको हम क्लास लेके आ रहे हैं 16 नवंबर से 12 से 1, तो एक बार आप सब्सक्रिप्शन लीजिए जरूर, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए जरूर। यहाँ पर अभी वाला क्विज लगाइए आप लोग, हमारा जो फ्री क्लास है इसकी टाइमिंग ये है, आप लोग 1:30 बजे भी आइएगा, जो भी क्वेश्चंस बच गए उसको करवाएंगे। अनअकैडमी पर 2:15 पर रेलवे कैटेगरी में मेरा फ्री क्लास है, फॉलो कर लीजिए, मेरा नाम है हितेश मिश्रा, आप हमें फॉलो जरूर कर लें, आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, कोई बच्चा अगर मेरा सब्सक्रिप्शन लेता है हितेश 10 लगाकर रीजनिंग का, तो उनको ये सारा फायदा होने वाला है, सारा फायदा होने वाला है। जो बच्चा अभी तक हमें फॉलो नहीं किए हैं प्लीज हमें फॉलो कर लें, मेरी बात को समझें, ठीक है। सबसे पहले लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर भर के लॉगिन करें, गोल सेलेक्ट करें, SSC या रेलवे या बैंक या DRDO MTS के लिए जो भी है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें। SSC का जो 12 महीने का फी है वो है 5400, 24 महीने का 6480 आफ्टर यूजिंग माई कोड हितेश10 या हितेश YT। रेलवे में देखें तो 6 महीने का 3600, 12 महीने का 4500 आफ्टर यूजिंग माई कोड हितेश10 या हितेश YT। पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, भीम, UPI, EMI इज ऑल्सो अवेलेबल, मंथली पेमेंट भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तैयारी बढ़िया से करना और आगे एग्जाम निकालना, तो इससे बढ़िया मौका नहीं होगा, ठीक है। और ये सारा फायदा आपको मिलने वाला वहां पर अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो, ठीक है। और प्रोसेस सिंपल सा है, लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर भर के लॉगिन, गोल सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक, जितने महीने का है वो हितेश YT लगाकर अप्लाई और लास्ट में पेमेंट, अभी के अभी जुड़ जाएं। सारे भाई बहनों को थैंक यू। सारे भाई बहन वीडियो को लाइक करें, हमें अनअकैडमी पर फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ सारे बच्चे एक बार क्विज जरूर लगा लें, सारे बच्चे क्विज एक बार जरूर लगाएं। क्विज अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो एक बार लगाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आइए, SSC कैटेगरी में प्लस में जाइए, टेस्ट में ज्वाइन क्विज। कोड है 57668, 57668,
और हमें कैसे फॉलो करेंगे हम ये भी बता देते हैं आपको एक बार, ठीक है? कैसे फॉलो आप करोगे हमें ये भी बता देते हैं आपको। सबसे पहले आप unacademy.com पर जाना, और अगर आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं तो वहाँ पर सर्च करना हितेश मिश्रा, HITESH MISHRA, हितेश मिश्रा। जैसे आप हितेश मिश्रा सर्च करोगे तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे, यहाँ पर पाएंगे कि मेरा आपको प्रोफाइल खुल जाएगा और आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। आज भी देखिए क्लास है जो ये दिखेगा आपको, स्पेशल क्लास ये वाला, सी ऑल में जाओगे आप तो मेरा स्पेशल क्लास देखो 2 पर 2 15 का दिख रहा है। तो आप लोग एक बार फॉलो कीजिए, और इस पर क्लिक जैसे ही करोगे आप तो उसको नोटिफाई मी पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको ये नोटिफाई मी पर क्लिक करने के बाद पता चल जाएगा हमारा क्लास है ना। तो अभी के अभी जुड़ जाइए सारे बच्चे, और मिलते हैं फिर 1:30 बजे यूट्यूब पर आपके कुछ रेस्ट क्वेश्चंस के साथ, 2:15 पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रेलवे कैटेगरी में आइएगा जरूर। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।